साथियों, आज की वीडियो में चर्चा होगी कि शीतकाल में किस प्रकार से हम आहार विहार करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे शरीर पर शीत या ठंडी का असर ना होने पाए। आइए चर्चा से जुड़ते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने जैसे बताया कि आज का विषय है कि शीतकाल में किस प्रकार से हम आहार विहार करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारे शरीर पर ये अत्यधिक पड़ने वाली ठंड का असर ना होने पाए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा साथियों कि इस समय हमारे शरीर के मेटाबोलिज्म की जो दर है वो बहुत अच्छी होती है, यानी कहना चाहिए कि जो पाचन शक्ति है या जठराग्नि है वो बहुत प्रदीप्त होती है, तेज होती है, तीव्र होती है। इसको बहुत पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। यदि पौष्टिक आहार ना मिले तो हमारे शरीर में जो रस संचित होता है उसका शोषण करके वो जठराग्नि हमारे शरीर को रूखा सूखा कर देती है। साथियों, जैसे मैंने बताया आपको कि आयुर्वेद जो है वो केवल रोगोपचार पद्धति या रोगों का दवा करना ही एकमात्र काम नहीं है, ये जीवन उपयोगी या जीवन जीने के ज्ञान को आयुर्वेद में समाहित किया गया है। तो इसमें शीतकाल में किस प्रकार का आहार विहार होना चाहिए इसके बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि यदि व्यक्ति शीतकाल में अच्छे पौष्टिक आहार नहीं करता है तो उसका जो शरीर में संचित जो शरीर का रस होता है वो जठराग्नि सोख लेती है, जिसके कारण से शरीर रूखा सूखा हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि शीतकाल में जो आहार विहार हो वो बहुत सोच समझ के किया जाए। आहार की बात करें साथियों, तो इसमें मीठा, गुड़, लड्डू, जलेबी और मावा, दूध मलाई, रबड़ी, यानी कि चिकने और पौष्टिक आहार जिसमें गुड़ भी है, मिश्री है, उड़द के लड्डू हैं या चावल के लड्डू हैं या अनेक किस्म के जो किराना होते हैं जैसे कि काजू, किशमिश है, मूंगफली है, इन चीज़ों से मिश्रित लड्डू हैं, ये भी उत्तम होते हैं। जलेबी है, खोवा की जलेबी है, ये भी शीत ऋतु में सेवन करना चाहिए। अदरक, सौंठ, पिपली, मेथी, कमलगट्टा, इलायची, जायफल, मीठा दही, जमीकंद, सूरन और मठा, बथुआ, खीरा, ये भी पथ आहार है। इस आहार चिकना और पौष्टिक हो। साथ ही इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा हमारे शरीर में कम ना होने पाए। आप चाहे बच्चे हैं, यंग हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, सभी को 10 से 12 ग्लास पानी प्रतिदिन किसी भी हालत में एनी हाउ एनी कंडीशन इतना पानी इनटेक कर ही लेना चाहिए, वरना इससे UTI इन्फेक्शन होने की संभावना होती है जो बहुत अधिक पेट दर्द कर देता है और इससे आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होने की आशंका होती है। तो बच्चों पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि वो ठंडी होने के कारण से पानी पीने में रुचि होती नहीं है, तो उनको पानी पिलाते रहें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें। बिहार मतलब कैसे रहना चाहिए, किस जगह पे आपको रहना चाहिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि शीत ऋतु में ऐसे गर्म स्थान में रहना चाहिए जहां आपको सीधी ठंडी हवा, जो उत्तर की हवाएं आती हैं, वो आपके शरीर को ना छू सकें। ऐसे बंद कमरे में या कोई गर्म स्थान पे आपको रहना चाहिए। खुली हवा में आपको कदापि नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये शीत कर देती है, सर्दी जुकाम आपको कर देगी और आपके शरीर में अनेक किस्म के दर्द पैदा कर सकती है। तो डायरेक्ट ये जो हवा, सोने के लिए भी बंद कमरे का ही इस्तेमाल करें। सूती और कंबल या कहना चाहिए गर्म वस्त्र पहनने का प्रयास करें जो डार्क या गहरे कलर के हों, गहरे या डार्क
कलर, क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और शरीर को गर्म रखते हैं। ऊलन के या कहना चाहिए कि फलालयन के ये ऊनी वस्त्र धारण किए रहना चाहिए। बात करें स्नान की, तो साथियों स्नान के विषय में कहा गया है कि स्नान शरीर की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन गर्म पानी का इस्तेमाल कर लेना चाहिए इस समय। गर्म पानी वो भी इतना गर्म होना चाहिए कि शरीर को ठंडी का एहसास न कराए। अत्यधिक गर्म पानी से भी नेत्र ज्योति को नुकसान होता है, तो इसलिए गर्म पानी हो लेकिन कुनकुना होना चाहिए। कहना चाहिए कि शरीर को ठंडी ना लगे, बस इतना गर्म होना चाहिए। कई बार कुछ लोग सुबह शाम भी स्नान करने का वो बना लेते हैं, तो शीत ऋतु में भूल कर भी सायंकालीन स्नान ना करें। स्नान करने से पवित्रता आती है, शरीर में शुद्धि आती है, पुण्य नहीं मिलता, शक्ति संचय। कई ये बहुत ही उत्तम समय होता है। तो आहार के विषय में काफ़ी चर्चा हुई है। इसके बाद बिहार में सुबह उठ के योग ध्यान प्राणायाम करने के बाद अपने शरीर की कसरत, थोड़ा 15-20 मिनट कसरत कर लें, और उसके बाद शरीर की मसाज या मालिश करने से भी शरीर के रक्त संचार सही होता है और विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए मसाज करने के उपरांत 20 मिनट की धूप आपके बस जो शरीर पे जो वस्त्र हैं वो 40% हों, बस इस अवस्था में आप हल्की सुबह की गुनगुनी धूप यदि 20 मिनट लगातार ले लेते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति होती है, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं। शीतकाल में साथियों बहुत जरूरी है कि अपथ्य चीज़ों का सेवन भूल कर भी आप ना करें, जिनमें से बर्फ, शत्तू, कड़वे कसेले, और जो भी कड़वे पदार्थ हैं या जो कसेले स्वाद के होते हैं, शीतकारक हैं, या भैंस का दूध भी इस सीजन में मना किया गया है। अचार, चटनी, खट्टे, चरपरे, इमली, सिंघाड़ा, खसखस, आलू, तोराई, केला, मोठ और जौ से बने हुए आहार का भी को भी अपथ्य बताया गया है। शीतल जल का सेवन भी आपको नहीं करना चाहिए, कुनकुना पानी उपयोग करना चाहिए। यदि आप इन अपथ्य भोजन का त्याग करते हैं और पथ्य भोजन का सेवन करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा शीत ऋतु में और शिशिर। इसके बाद शिशिर ऋतु में भी क्या होता है, थोड़ा सा जब पानी गिरने लगता है, ओश कोहरा होता है, तो उस समय बहुत आवश्यक है कि डायरेक्ट चलने वाली ठंडी हवाओं से आपके शरीर को आपकी रक्षा करनी चाहिए। कान भी बांध लेना चाहिए और गर्म कपड़े भी पहने रहना चाहिए, सीधी हवा न लगने पाए। इसी आशा विश्वास के साथ साथी कि आपको शीत ऋतु के आहार विहार और रहन सहन के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी। आपसे लेता हूँ विदा, नमस्कार।